हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं आज आपके सामने लाई हूँ आलू की पूरी, या फिर आलू की मटरी भी बोल सकते हैं इसको। हम लोग चाय के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके लिए हमने बॉयल्ड आलू ले लिया, इसको ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद इसके बाद हम डाल रहे हैं 2 कटोरी मैदा। हम लोग फिर इसमें डाल रहे हैं अजवाइन को अच्छे से हाथ से क्रश कर लिया है, उसको फिर डाला है हम लोग ने। देन इसमें हम लोगों ने डाला है नमक, फिर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, फिर तेल डालूँगी और पानी डाल के इसको अच्छे से हम लोग टाइट डो लगा लेंगे इसका हम लोग। और उसको टाइट डोर लगाने के बाद उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेंगे, ढक के रख देंगे। फिर हम लोग 10 मिनट के बाद इसको खोल के हम उसके छोटे छोटे पेड़े बना के तो बेलेंगे इसको। देखिए ऐसे बेल लिया, फिर इसके ऊपर हम फोक मार रहे हैं, क्योंकि ये पूरी बना रहे हैं तो पूरी ये फूले ना, इसलिए हम लोगों ने फोक मार दिया है। देन हम लोग शेप ले लो, मैंने राउंड शेप का ले लिया है, तो राउंड शेप से हम लोग इसको बना रहे। फिर इसको हम लोग मीडियम ऑयल में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई, मीडियम हीट रहना चाहिए इसका। और इसको धीरे धीरे हम लोग करने देंगे। फिर इसको हम लोगों ने दूसरे कुकी कटर से ये वाला शेप लिया था, अलग अलग शेप से हम लोगों ने दिए कुकी कटर से। ये हम लोगों ने कुछ फ्लावर्स की ऐसा शेप बनाई है कुकी कटर से, इसको भी वैसा ही बनाया है हम। इसको हम लोगों ने हार्ट शेप वाला कुकी कटर लिया था, उसके लिए हम लोगों ने इसे बनाया है हार्ट शेप का। फिर ये लिया है दूसरा वाला एग्जोगन शेप है, ये एग्जोगन शेप से हमने ऐसा बना लिया है। आपको जो शेप चाहिए आप वो दे सकते हैं, आपके ऊपर है। आप बच्चों को टिफ़िन में क्या देंगे, आप ये टिफ़िन में दे सकते हो बच्चों को नाश्ता। ये बहुत टेस्टी है, ये बच्चे खाएंगे खुशी खुशी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।